उमंग भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों की जानकारी एवं दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर आप अपने सभी कामों को एक ही क्लिक पर या कह सकते हैं कि पेपरलेस वर्क के साथ घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनलॉक टेक पर, जहां मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े इंटरेस्टिंग और काम के वीडियोस लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करेंगे उमंग ऐप। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको उमंग ऐप दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। व्हाट्स न्यू पर जाकर आप देख सकते हैं उमंग का फुल फॉर्म, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये एप्लीकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा चलाई जा रही है। इसके कुछ की फीचर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, ये मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटेजी के तहत है। यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस यहाँ आपको मिलता है, इंटीग्रेशन विद डिजिटल इंडिया सर्विसेज, सिक्योर एंड स्केलेबल है ये, और पेपरलेस इकोनमी और कैशलेस इकोनमी की ओर जो है इसको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका लैंडिंग पेज है। यहाँ लिखा हुआ है उमंग। सबसे पहले हम आपको नीचे के ऑप्शंस दिखा देते हैं। यहाँ दे रखा है होम, ये हमारा होम जो फर्स्ट पेज है। इसके बाद ऑल सर्विसेज, यहाँ पर सारी सर्विसेज थ्रू आउट दे रखी हैं जितनी भी हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ डिजी लॉकर, आप डिजी लॉकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिजी लॉकर क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसका वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बॉक्स में उसका जो है आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मैंने यहाँ प्रोफाइल पे मध्य प्रदेश सेट किया है। आप जिस भी राज्य से हैं उसको यहाँ सेट कर लेंगे। ऊपर आप देखेंगे राइट टॉप पर यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, माय प्रोफाइल, सर्विस डायरेक्टरी, हेल्प, यहाँ एक अच्छा ऑप्शन जो ऐड हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं स्कैन डॉक्यूमेंट। आप स्कैन डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, स्कैन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये स्कैन के लिए ऑप्शन आएगा। स्कैन पर क्लिक, यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको जो है आप इसको रोटेट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आप जो है यहाँ पर इसको किया, ये ओके किया। यहाँ से आपको ये दिख रहे होंगे साइज, इसको आप रिसाइज करके जो है कैसे भी करके आप इसको किसी भी साइज में क्रॉप करने के बाद आप यहाँ क्रॉप पर करेंगे। नीचे लिखा है सेव एस इमेज, सेव एस पीडीएफ। आप जिसमें भी इसको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहें आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। आइए हम आगे लेकर चलते हैं। यहाँ कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरीज आप देखें, फार्मर्स, सोशल, स्टूडेंट्स, वुमन, यूथ स्किल, सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन, जो यहाँ लिखा है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारे एप्लीकेशन, सारे फॉर्म्स दिखाए जाएंगे। आगे आप नीचे देख सकते हैं व्हाट्स न्यू, यहाँ पर जो नया ऐड होता है उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे NAPS, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड MNRE, कौशल अवसर, यहाँ आप देख सकते हैं जो भी अभी ये नया जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऐड हुआ है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद आप जो है यहाँ पर जानकारी को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पिन कोड डालता हूँ, यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको सर्किल, सर्किल का नाम, रीजन, डिवीज़न, वहाँ पर कितने जो है आपके बैंक और ये जो पोस्ट ऑफिसेस हैं यहाँ पर, ये दो तरह के यहाँ पे इसमें क्वार्टर्स होते हैं, वो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे आसानी से पिन कोड के माध्यम से मिल जाएगी। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं फ्लैगशिप स्कीम्स दिख रही हैं। जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत,
आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, आयुष्मान भारत पे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कीम डिटेल दे रखी हैं, पूरे बेनिफिट्स आप इजीली यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ क्राइटेरिया दे रखा है कौन भी कौन बनवा सकता है कौन नहीं बनवा सकता। आप नीचे इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको फेसबुक, ट्विटर और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रधानमंत्री आवास योजना पर जाएंगे, यहाँ भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसकी A to Z। आप जानकारी अगर आपको कोई नहीं देता है तो आप यहाँ पर जो है जाकर इस पूरे फॉर्मेट को, क्या क्या हमारी ज़रूरतें होती हैं संबंधित, उसके अकॉर्डिंग यहाँ एलिजिबिलिटी दर्शाई गई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है टोटल सर्विसेज, यहाँ लिखी हुई है 20,209 सर्विसेज आपको टोटल इस एप्लीकेशन पर दिखाई गई हैं, जिसमें सेंट्रल की 442, स्टेट की जो है 532, यूटिलिटी की 19,235 यहाँ पर जो सर्विसेज हैं। आप विभाग देख सकते हैं, टोटल डिपार्टमेंट्स सेंट्रल के 102 डिपार्टमेंट हैं, स्टेट के 103 डिपार्टमेंट हैं। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं उमंग ऐप को तो शेयर नाउ पर क्लिक करके जहाँ से भी आप इसको शेयर करना चाहें। आगे हम चलेंगे यहाँ सेकंड बटन पर ऑल सर्विसेज पे, ऑल सर्विसेज पे जाने के बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं जितनी भी जानकारियाँ यहाँ दे रखी हैं, ऊपर एक मेन्यू बनाया गया है, वहाँ आप जाकर एक कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट से संबंधित एप्लीकेशन यहाँ पर डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, जैसे CBSE, AICTE, अवसर, ई पाठशाला, MPBSE, NEPS, नेशनल स्कॉलरशिप, स्वयं प्रभा आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया है, फ्री DTH चैनल है एजुकेशन का। इसके बाद आप UGC स्कॉलरशिप पर जा सकते हैं, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाकर आप जो है जितने भी पेमेंट्स वगैरह UGC वाले होते हैं आप सभी यहाँ पे डन कर सकते हैं। आप यूटिलिटी पर आएंगे, यूटिलिटी पर देखेंगे तो आधार कार्ड, भारत पे बिल, भारत गैस, डिजी लॉकर, ई माइग्रेट, ई संपर्क, ये जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको डिजी लॉकर पे बताए थे उसी के कुछ एप्लीकेशंस यहाँ भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे फार्मर्स पर, ये फार्मर से संबंधित जानकारियाँ यहाँ पे इजीली आपको मिल सकती हैं। आप सर्टिफिकेट पर आएंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट जब ज़रूरत होती है हमें तो आप स्टेट वाइज आ सकते हैं। देखिए यहाँ सारे स्टेट्स दे रखे हैं, आप जो भी अपना स्टेट है वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ से उस सर्टिफिकेट को निकाल पाएंगे। आगे आएंगे आप, सोशल सिक्योरिटीज हैं, हेल्थ है, वुमेन एंड चिल्ड्रन है, हेल्थ पर क्लिक करने के बाद देखिए आयुष्मान भारत आ गया है ऊपर, जन औषधि सुगम आ गया है, निक्षय आ गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, RCH आप ये सभी देख सकते हैं जितनी भी यहाँ जानकारी है। आगे आप पुलिस एंड लीगल पर क्लिक करके CISF की जानकारी, CRPF की जानकारी, दिल्ली पुलिस, ई कोर्ट सर्विसेज, MPECOP जो अभी एप्लीकेशन जो चलाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, देशभक्ति जनभक्ति, आप यहां से भी पूरी जानकारी इजीली निकाल सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहां पर जनरल दे रखा है, पब्लिक ग्रीवियंस दे रखा है, जनरल पे आने के बाद आपको जो भी जितने भी जनरल काम जो है हो सकते हैं किसी भी एज कैटेगरी को, उसके लिए यहाँ ये दर्शाया गया है। आगे कई सारी कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरीज का यूज़ करके आप ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड बैंकिंग, टूरिज्म एंड कल्चर, एजुकेशन, ये सभी आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे यहाँ दे रखा है डिजी लॉकर, डिजी लॉकर पर जाने के बाद यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को इशूट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको आगे मैंने स्टेट लगाया है यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ जाने के बाद आप MP नगर पालिका पर जा सकते हैं, ई नगर पालिका पर जाने के बाद आप जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप MPBSE पर जा सकते हैं, आप लैंड रिकॉर्ड पता कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे खसरा नंबर डालकर या मैप के द्वारा भी आप MP ट्रांसपोर्ट पर जा सकते हैं। एक और इसका बहुत अच्छा यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके ऊपर से मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा आने वाले कुछ दिनों में, यहाँ पर जो है आप लोगों को EPF के लिए भी एक एप्लीकेशन दे रखा है EPFO करके, उसमें जो है किस तरीके से आप अपना प्रोविडेंट फंड को चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये देखिए यहाँ आ रहा है EPF DBT, ये देखिए यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एडवांस निकालने के लिए आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, पासबुक देख सकते हैं, आप यहां पर क्लेम रेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, UN नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं, UN नंबर को अलर्ट कर सकते हैं, पासबुक को देख सकते हैं और यहां पर अपडेट जीवन प्रमाण, ये सभी काम आप कर सकते हैं। इस पर कैसे काम किया जाता है इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। आज उमंग वीडियो के लिए मेरा यहीं तक था, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन और मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।